आपका स्वागत है। आज हम जिस फ्रैक्चर के बारे में बात कर रहे हैं उसे एस्टर्नम का फ्रैक्चर कहते हैं। तो गोविंद जी के एस्टर्नम में फ्रैक्चर हो गया था, पेल्विस और एस्टर्नम में फ्रैक्चर हो गया था। 2 महीने पहले इनके फ्रैक्चर हुआ था, इनका ऑपरेशन हमारे यहाँ हुआ था। तो इस ऑपरेशन से संबंधित बारे में आप उनसे जानकारी लेते हैं। गोविंद जी क्या हुआ था, कैसे हुई? मैं 17 तारीख को खजुराहो गया था, 18 तारीख को सुबह 9:30 बजे की ट्रेन से वापस आ रहा था। तो ट्रेन हार्डली आधा पौना घंटा चली होगी, तो डब्बे में एक समोसे बेचने वाला आया, 2 समोसे खाए तो उसने हल्का सा नमक तेज किया, वो जनरली हो जाता है कभी। उसके 10 मिनट बाद मेरी गर्दन में झटके आने शुरू हो गए बहुत तेज। मैं दोनों हाथों से गर्दन को पकड़ूँ लेकिन झटके नहीं रुके। उसके बाद मैं हो गया बेहोश, ऊपर की बर्थ पे बैठा हुआ था अपने डॉटर के साथ। तो नीचे के पैसेंजरों ने मैं उतारा, 5 मिनट बाद मुझे होश आया, पानी मुँह पानी पानी का। उसके बाद से फिर मेरी लेफ्ट साइड में बहुत सीवियर एक क्रैम्प आया, उसके बाद से मुझसे नहीं बैठा गया। फिर शाम को 7 बजे यार ट्रेन पहुंची भरतपुर, उसके बाद में न्यूरो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, ये सोच करके कि शायद कोई नस वगैरह में बड़ी प्रॉब्लम होगी। वहाँ बहुत सारी जाँचें हुई, MRI हुई, फिर MRI में क्लियर हुआ कि मेरी ये जो हिप कॉलर है लेफ्ट साइड की, इसमें क्रैक आया है। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आया और सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा, फिर इन्होंने रिस्क ली थी। तो इनकी सहायता से अब मैं 2 महीने भी और पूरे नहीं हुए, 23 नवंबर को ऑपरेशन हुआ था, आज 18 तारीख है, और मैं चलने भी लग गया, 50-100 मीटर में बड़े आराम से चल लेता हूँ, कोई पेन नहीं है, कोई कुछ पेन नहीं है। मेडिसिन भी मुझे ज़्यादा लेनी नहीं पड़ी, जो स्टिच आई थी मेरी उसके लिए एंटीबायोटिक ली थी, बाकी कैल्शियम बेस की जो रूटीन टैबलेट है वो चली थी मेरी। अब मैं अपने आप को बड़ा स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। 9 फरवरी को मेरी बेटी की शादी है, इस ड्यूरेशन में पिछले 10 दिन से मेरा चलना भी हो रहा है, लेकिन मुझे पेन की कोई शिकायत नहीं है। आज मैंने एक्सरे करवाया तो कुछ कुछ सही है। मैं बड़ा आभारी हूँ डॉक्टर साहब का, जिनकी मदद से मुझे, जो कहते हैं कि ये ऑर्थोपेडिक्स में सबसे सीरियस सर्जरी होती है, वो मेरी हुई थी, और साहब डॉक्टर साहब की कृपा है कि मुझे एक नया जीवन मिला। थैंक यू वेरी मच। जो गोविंद जी का मसला था, ये एस्टर्नम फ्रैक्चर होता है, ये एस्टर्नम फ्रैक्चर पहले बड़े शहरों में ही संभव होते थे, इनका इलाज भरतपुर में संभव नहीं था। तो यहाँ पेल्विस और एस्टर्नम के फ्रैक्चरों को भी बहुत कायदे से कर रहे हैं, हमारे जितने भी मरीज हैं किसी भी मरीज को इस फ्रैक्चर से संबंधित इलाज में कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है।